विधानसभा क्षेत्र देहरा के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री रविंदर सिंह रवि ने देहरा के जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर जहां केंद्र सरकार की पैरवी की तो वहीं प्रदेश सरकारों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना काल में हिम्मत है तो प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल का दाम कम करके दिखाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार कुल मिलाकर 42 रुपए लेती है, बाकी का टैक्स प्रदेश सरकार लगाती है। उन्होंने कहा कि देश भर के सभी राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल के रेट कम करने में सक्षम हैं। रवि ने कहा कि पेट्रोल डीजल से राज्य सरकारों को भी भारी राजस्व मिलता है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में ही बनेगी। उन्होंने कहा कि देहरा की सौगात का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को जाता है। रवि ने कहा कि मेरे पास सारा रिकॉर्ड है कि कब इसकी नोटिफिकेशन हुई। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल 2010 को इसकी नोटिफिकेशन हुई है और 3 साल पहले तक के सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं। क्योंकि आप स्थानीय हैं कि देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जितना बड़ा काम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने किया, जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, सोचा तक नहीं था, ऐसा बड़ा संस्थान जो केवल मात्र हर राज्य में एक होता है, एक मिलता है, वो हिमाचल प्रदेश का देहरा को दिया गया। इसके लिए हमें धूमल जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहिए। और जो ये आपने प्रश्न किया, जो गुराग करने वाली शक्ति यहाँ पर है, मेरे पास आज रिकॉर्ड सारे का सारा है। मुझे बताया भी गया कि यहाँ पर कई मेरे मित्र ऐसा विचार करते हैं कि पता नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे ये हुआ। ये सारे के सारे समय समय के अनुसार मेरे ऊपर सारी चीज, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। कब इसकी नोटिफिकेशन हुई? 23 अप्रैल 2010। ये भारत सरकार के डायरेक्टर जो NHRD के हैं, मिस्टर RD सहाय, ये उनके द्वारा पत्र जारी हिमाचल प्रदेश को किया गया था और उसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि जो कमेटी उसमें साइट सिलेक्शन की बनी थी, उस कमेटी के आह्वान के ऊपर हमने ये नोटिफिकेशन कर दी है और इसमें 2 कैंपस बनाने का प्रबंध कर दिया गया है। एक कैंपस नॉर्थ कैंपस जिसका नाम रखा वो धर्मशाला में बनेगा और साउथ कैंपस वो देहरा में बनेगा। देहरा में जो बनेगा उसके लिए 70% और जो धर्मशाला बनेगा उसका 30%, ये इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है। और साथ में ये भी कहा गया इसमें साफ तौर पर लिखा कि जो एकेडमिक क्लासेस सारी की सारी लगेंगी वो सारी की सारी देहरा कैंपस में होंगी, ये नोटिफिकेशन वहां कहा गया। PLTV के लिए देहरा से ब्यूरो रिपोर्ट।